नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो 2018 का आईपीएल होने वाला है उसके लिए कोलकाता के रिटर्न प्लेयर कौन कौन हो सकती है। तो पहले मैं बता दूं कि रिटर्न प्लेयर 5 को ही कर सकते हैं इस बार 2018 में, और उसमें से 3 खिलाड़ी होंगे भारत के ही और ओवरसीज प्लेयर रहेंगे 2। आइए देखते हैं कौन कौन रहेंगे। पहले तो गौतम गंभीर फिर भी इस बार कप्तान करेंगे। पहले पिछले साल जो 2017 में 16 मैच खेले थे, 498 रन बनाए थे 4 अर्धशतक के साथ, और बेस्ट स्कोर था 76। और दूसरे में रहेंगे महेश पांडे, पिछले साल 14 मैच खेले थे, 396 रन बनाए थे और 81 बेस्ट फिगर, 2 हाफ सेंचुरी। रॉबिन उथप्पा तीसरे में रहेंगे, रॉबिन उथप्पा पिछले साल 14 मैच खेले थे, 388 रन बनाए थे और 87 हाई स्कोर था और 5 अर्धशतक। चौथे में रहेंगे सुनील नारिन, नारिन 16 मैच खेले थे पिछले साल और 224 रन बनाए थे, हाई स्कोर था 54, इसमें 1 अर्धशतक भी शामिल है। पिछले साल सुनील नारिन ने ओपनिंग किया था, बॉलिंग में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, 16 मैचों में 15 विकेट लिए थे, उसका बेस्ट फिगर था 29 रन। तो पांचवा रहेंगे वो है आंद्रे रसेल, पिछले साल खेल नहीं पाए थे, आईसीसी ने बैंड किया था उसे 1 साल के लिए, इस बार उसका बैंड हटा दिया गया है, तो 2018 आईपीएल में खेलेंगे। यही टीम रहेंगे कोलकाता की रिटर्न प्लेयर। वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को अच्छे लगे तो कमेंट या और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।